ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बीएससी, बीए और बीकॉम का परिणाम 50% रहने पर एनएसयूआई हमीरपुर ने यूनिवर्सिटी प्रशासन और कुलपति के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। छात्र संगठनों का कहना है कि यूनिवर्सिटी ने परिणाम देरी से निकाला, इस कारण बच्चों के 2 साल बर्बाद हो सकते हैं। ऐसे में अब छात्रों के भविष्य पर संकट मंडरा रहा है। परिणाम की लेट लतीफी के कारण छात्रों का समय व आर्थिक रूप से हानि पहुंच रही है। इसके लिए हिमाचल विश्वविद्यालय प्रबंधन जिम्मेदार है। छात्र संगठन के नेता का कहना है कि किसी भी सूरत में छात्रों का समय बर्बाद नहीं होने दिया जाएगा। जब तक प्रशासन इस फैसले को बदलाव नहीं करता है, तब तक संघर्ष जारी रहेगा। आज एनएसयूआई हमीरपुर ने हमीरपुर कॉलेज के बाहर हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी और प्रशासन के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। इस धरना प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य, जो बुधवार के शाम एचपी यूनिवर्सिटी ने जो रिजल्ट निकाला था बीए, बीएससी और बीकॉम के छात्रों का, और आप लोगों को यह जानकर हैरानी होगी कि यह रिजल्ट जो था वो इसमें करीब 44,000 के करीब बच्चों ने परीक्षा दी थी, प्रथम वर्ष के छात्रों ने, और करीब 50% के करीब जो रिज़ल्ट आया है। और हैरानी की बात यह है कि सरकार और प्रशासन ने ऐसे समय में रिज़ल्ट निकाला है कि बच्चों के 2-2 साल बर्बाद हो रहे हैं, और ऊपर से पूरे साल की जो है वो फीस भी ले ली है। बच्चों के 2 साल की फ़ीस बर्बाद हुई और साथ ही साथ 2 साल जो हैं वो बच्चों के बर्बाद हुए। एनएसयूआई हमीरपुर ने आज प्रशासन के खिलाफ, यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया, और अगली रणनीति जो है, हम प्रशासन को 15 तारीख तक का समय देते हैं कि वो इस जो रिज़ल्ट आया है इसको अपडेट करें या जल्द से जल्द अपडेट करें, नहीं तो एनएसयूआई जो है वो एनएसयूआई के बैनर तले पूरे प्रदेश में एनएसयूआई भूख हड़ताल और चक्के जाम करेगी, और इसके लिए प्रशासन जिम्मेवार होगा।